दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ लखपति दीदी बनाने का बड़ा भरोसा दिया है। और गिरिराज सिंह छपरा के जेपी विश्वविद्यालय परिसर में बैंकों की ओर से आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान ऋण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। और गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रतिमा स्वयं सहायता समूह एवं जीविका से जुड़ी दीदियों का प्रतिमा ही आमदनी 10 से 15 हजार रुपए सुनिश्चित करना है और ये होकर रहेगा। साथ ही अभी भरोसा दिया कि जीविका दीदियां बगैर किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक लोन बैंक से ले पाएगी। और केंद्रीय मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री की पहल की ओर आधी आबादी का ध्यान आकृष्ट करते हुए जयकारा भी लगाया। गिरिराज सिंह ने आंकड़े एवं ब्यौरे देते हुए बताया कि बिहार में किस तरह सारण जिले की जीविका दीदियां अव्वल है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार की गारंटी की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं एवं जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बनकर गाँव में ही लाखों रुपए महीने कमा रही है। अब मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में SHG एवं जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं लखपति बन जाए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में पहले बैंक लोन देने के लिए ऋणी से संपत्ति, गहना एवं पैतृक संपत्ति आदि की गारंटी मांगते थे, लेकिन अब मोदी सरकार की गारंटी पर बैंक महिलाओं, जीविका समूहों एवं लोगों को व्यापार करने एवं उद्योग लगाने के लिए मुद्रा लोन बैंक स्वीकृत कर रहे। वहीं इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा का इंतजार होता रहा, लेकिन पहुंचे नहीं। विशेष तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कार्यक्रम पहुँचने को लेकर कई बार घोषणा की गयी। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों के पहुंचने पर आभार प्रकट किया। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित और भी अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।